नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा। पर्यावरण को बचाना दुनिया भर में देशों के लिए बड़ी चुनौती है। हर कोई अपने अपने तरीके से पर्यावरण को बचाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। शायद हम सिर्फ पर्यावरण दिवस के मौके पर ही इसे संजीदगी से लेते हैं और इसे रस्म अदायगी के तौर पर मानकर भूल जाते हैं, मगर अब वक्त आ गया है इस तरफ गंभीरता से विचार करने का, क्योंकि इंसान की जिंदगी के लिए कितना अहम है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन ये दिवस महज औपचारिकता तक सीमित होकर रह गए हैं, क्योंकि अगर हकीकत में हमने इस दिवस के मायने समझे होते तो शायद हमें आज ऐसी गंभीर स्थिति का सामना ना करना पड़ता। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरणविदों के लिए चुनौती का विषय बन चुका है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक इकाइयों से निकलता धुआं और प्राकृतिक स्रोतों के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक जल स्रोत सिकुड़ रहे हैं। वहीं हमें कभी बाढ़ तो कभी सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा बचाव करने वाली ओजोन सतह में लगातार छेद हो रहे हैं। इंसान की स्वार्थभोगी प्रवृत्ति के कारण ही ये प्राकृतिक स्रोत लगातार सिकुड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में तो लगातार तीसरे साल से सूखा पड़ रहा है, जिसकी वजह से नदियां सूख चुकी हैं और लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। यही हालात यूपी के बुंदेलखंड में भी हो चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तो पानी को लेकर इस कदर हाहाकार मच चुका है कि पुलिस को पानी पर पहरा तक देना पड़ा। देश के कई राज्य सूखा ग्रस्त हैं और आने वाले समय में तो ये हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पानी के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण आज हमारे सामने ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। वहीं रिवायती फसलों की बिजाई से भी ये स्थिति पैदा हो चुकी है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब जिसे पांच नदियों की धरती कहा जाता है, वो भी अब पानी के संकट से अछूता नहीं है। पंजाब में धरती का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है किसानों की ओर से रिवायती फसलों की बिजाई करना। धान ऐसी फसल है जिसकी रोपाई में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में धान की फसल की रोपाई सबसे ज्यादा रकबे में की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन ये नदियां आज अपना अस्तित्व खोकर गंदे नालों में बदल चुकी हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन नदियों की सफाई के लिए करोड़ों रुपयों की राशि मंजूर की गई, लेकिन ये पैसा कहां खर्च हुआ ये कहीं नजर नहीं आया। नदियां, जिनको हमारी संस्कृति में पूजनीय स्थान हासिल है, लेकिन आज ये नदियां अपनी पहचान खोती जा रही हैं। आज ये नदियां पूरी तरह दूषित हो चुकी हैं और गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से गंगा जैसी पावन और पवित्र नदी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। मोदी सरकार की ओर से अपने पहले बजट में इसके लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया,
लेकिन इसमें काफी राशि खर्च होने के बावजूद भी धरातल पर कोई परिणाम दिखाई नहीं दिए। इससे पहले भी इस नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन हालात वही रहे, ढाक के तीन पात। नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन इस राष्ट्रीय नदी को बचाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। यही वजह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जहां सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं संत समाज भी इसे बचाने के लिए आगे आया है। इसी तरह की एक शख्सियत है संत बलबीर सिंह जी सींचेवाला, जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब की संगतों के सहयोग से पंजाब की पवित्र काली बेई नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया था और वो अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द